जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना ये पागल तो कूद जाएगा। अच्छा गिटार बजाते हो। लेकिन इतनी ऊंचाई पर गिटार बजाना तुम्हारी हॉबी है? ये मुझे नहीं पता था। But anyways, we are not friends ना? ये इसे बजाने आई है या कूदने के लिए इंस्पायर करने? वैसे एक बात कहूं, बुरा मत मानना हा? तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? एक ही एक्सप्रेशन होता है, हमेशा सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन। ऐसा लगता है किसी ने तुम्हारे फेस को पॉज करके रखा है। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैंने हमेशा तुमसे मजाक ही किया है। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं मजाक के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। वैसे एक बात बताऊं, जब तुमने दोस्ती का हाथ आगे किया था ना, तब मैंने जानबूझकर मना किया था। वो लड़की हूँ, अब थोड़ा तो भाव खाऊंगी ना। पर तुमने तो उस मजाक को भी सीरियसली ले लिया। वैसे एक बात बताओ, तुमने शोले कितनी बार देखी है? नहीं, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हारी आदत ना बिल्कुल वीरू की तरह है, जहाँ देखो सुसाइड करने चढ़ जाते हो। Come on यार, chill, calm down. Okay, forget it. Now on a serious note, जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं। I'm sorry for whatever I've done. Let's be friends. Friends for life. दिल छू के जाए कब कौन सा ये चेहरा। ओके, तो अब हम फ्रेंड्स हैं और अब तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हो। या मंजरी का फ्रेंड तो हमारा भी फ्रेंड। लेकिन सॉरी अच्छे, हमारे ग्रुप के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में रहना है तो तुम्हें उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। रूल नंबर वन, तुम कभी हमारे ग्रुप के सीक्रेट्स किसी को नहीं बताओगे। रूल नंबर टू, हम कॉलेज की पहली क्लास बंक करके हमेशा अपने फेवरेट अड्डे पे जाते हैं, चाय का स्टॉल। रूल नंबर थ्री, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर टू, लेट्स गो हैव टी, चाय हो जाए। टाइम तो हो गया, अभी तक मंजरी नहीं आई। Thank you.
आज तुम्हें मेरी वजह से वेट नहीं करना होगा। आज मैं पहले से ही रेडी हो गई थी। अच्छा? रोज तुम्हें वेट करना पड़ता है ना ड्रॉप करने के लिए, और रोज लेट हो जाते हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मंजरी के लिए वेट करते करते वेट करने की आदत सी हो गई है। चले? हाँ चलते हैं, बस मंजरी आ जाए। मंजरी तो सुबह सुबह कहीं चली गई। ठीक है तो फिर चलते हैं। ये तो इसे चाय पिलाने भी ले आई, आखिर ये कर क्या रही है? यार मुझे तो टेंशन से ना भूख लग रही है। तुझे भूख कब नहीं लगती? चल चल तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। चल मंजरी थैंक्स, आई एम ग्लैड वी आर फ्रेंड्स नाउ। नहीं तो मुझे लगता मैं इतना बुरा इंसान हूं कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। यू कैन नेवर एक्सेप्ट मी एज अ फ्रेंड। नहीं अजय, यू हैव अर्नड माय ट्रस्ट और अब तुम मेरे दोस्त बन गए हो। मैं शायद तुम्हें ऐसी बातें बताऊं जो मैं शायद अम्मू और सोनू को भी कभी ना बता पाऊं। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो यू हैव बिकम माय बेस्ट फ्रेंड। अब ले दे के मेरा एक ही तो मेल फ्रेंड है अक्षय, वो भी अभी अपने पर्सनल कामों में बिजी हो गया। But now I'm glad that we are friends. अरे बातों बातों में तुम्हारी चाय तो ठंडी हो गई। कोई नहीं मैं एक और चाय लेके आता हूँ। एक दूसरी चाय देना। तभी हो गया तो फिर कॉलेज चले। देखा तुम इतने भी बुरे इंसान नहीं हो। ये तुम्हारे मूड्स ना बड़े अजीब हैं। कभी नाराज हो जाते हो तो कभी। आज तक तो ठीक है, कल का क्या भरोसा? पता है अजय, इसीलिए दोस्त एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और सपोर्ट भी करते हैं किसी भी सिचुएशन में। मतलब तुम्हारा कहना यह है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा और कल को बदल जाऊंगा। मंजरी, I'll always be there for you. तुम मुझे हमेशा पाओगी, right by your side. I promise. See, हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए दोस्ती का एक टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन शायद आज तुम उस टेस्ट से बच गए हो। लेकिन तुम्हें एक काम तो करना पड़ेगा, हमेशा स्माइल करते रहना पड़ेगा। क्या मतलब? मैं कभी स्माइल नहीं करता, अभी करके दिखाता हूँ। देखो अभी हमें कॉलेज जाना है, तुम स्माइल करने की प्रैक्टिस करते रहना, शाम तक सीख जाओगे। ओके बाय। हाय, आज मैं घर गया था, पता चला कि तुम वहां नहीं हो। कॉलेज गई थी? ओ हाँ सॉरी अक्षय, वो एक्चुअली मैं अम्मू और सोनू के साथ कॉलेज के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी निकल गई थी। 11 बज रहे हैं, हमारी प्रिया मैम मिस कर रही होगी। 6 महीने तक इनको शक्ल नहीं दिखाई, आज दिखाई देते हैं। हाँ बोलो। मैं सोच रहा था कि इतना धीरे क्यों बात कर रहे हो? शादी से पहले ही। नहीं, I am sorry, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं सोच रहा था कि आजाद खाने के लिए बाहर चलें। मुझे पूछने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें घर वालों से पूछना पड़ेगा। आई थिंक मंजरी की मम्मी पापा अब मुझे मंजरी के फ्रेंड की तरह नहीं देखते, इसलिए मंजरी मेरे साथ अकेले आने में हिचकिचा रही है। हेलो हेलो, चुप क्यों हो गए? अरे बनाते हैं ना प्रोग्राम। हाँ मैं बात करता हूँ सबसे। ओके टू सी यू इन द इवनिंग, बाय बाय। क्या हुआ? ये पूछ क्या नहीं हुआ, अक्षर पूजा की प्यार की गाड़ी कुछ ज्यादा ही तेजी से चल रही है। पूजा ऑकवर्ड फील ना करे इसलिए अक्षर ने डिनर के बारे में मुझसे पूछा, दैट्स ऑल। पूजा मैं सोच रहा था कि डिनर के लिए कहीं बाहर चले। पूजा आई मीन पूरी फैमिली। शायद अक्षय मेरे साथ अकेले जाने में हिचकिचा रहा है। ठीक है सब साथ में चलते, मैं घर पे फोन करके सबको बता देती हूँ। ठीक है आप सुनो। अंजलि क्या समझती है कि मैं मुस्कुरा नहीं सकता? टीटू तुझे क्या हो गया, कहीं इलेक्ट्रिक का शॉक तो नहीं लग गया? नहीं 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 मामी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। मामी जी मैं कभी मुस्कुराता नहीं हूं क्या? ऐसा क्यों पूछ रहे तू? वैसे याद करने दे मुझे, लास्ट तू कब मुस्कुराया था? याद नहीं आ रहा है? फिर ये सारी बातें तू क्यों पूछ रहा है, कहीं तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? कौन है वो लड़की? नहीं नहीं मामी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। तू तो मुस्कुराने के खिलाफ था और आज अचानक मुस्कुराने की बातें कर रहे, कहीं किसी लड़की ने तुझे ताना तो नहीं मार दिया कि तुझे मुस्कुराना ही नहीं आता? नहीं नहीं मामी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। देख टीटू बेटा, जब इंसान की जिंदगी में कुछ बदलाव आने लगता है ना, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसे प्यार हो रहा है। पूजा और अक्षय की लव स्टोरी शुरू हुई है ना, उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। इट्स सो गुड टू सी देम लाइक दिस। पता है मुझे तो लगता है जल्दी उनकी प्यार की गाड़ी अब शादी के प्लेटफॉर्म पर उतरने वाली है। यार पूजा दीदी की प्यार की ट्रेन तो पटरी पर आ गई, लेकिन तेरा क्या चल रहा है? यू डोंट इवन लाइक अजय, तुझे उसका आस पास रहना भी खटकता है और तूने उससे दोस्ती कर ली? ये कैसी दोस्ती है, पहले चाय पे बुला लिया अब शाम को उससे मिलने जा रही है। करना पड़ा, तुम दोनों ने उसकी हरकत नहीं देखी क्या? मैंने दोस्ती करने से मना कर दिया तो वो बिल्डिंग से कूदने को रेडी हो गया। मैं तो डर गई थी, इसीलिए मैंने उससे दोस्ती की है। अब तुम लोग देखना, मैं उस अजय को दोस्ती के ऐसे ऐसे एसिड टेस्ट से गुजारने वाली हूँ कि वो खुद समझ जाएगा कि वो मेरी क्या किसी और की दोस्ती के भी लायक नहीं है। मैं उस अजय को उसकी खुद की आंखों में फेल कर दूंगी, गिरा दूंगी। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है। अरे क्यों राधा जी भाई, ऐसी कौन सी खास खबर है जो इतने ध्यान से अखबार पढ़ रही हैं आप?
जी आगरा में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खुला है चाइनीज, रात को वहीं चलेंगे, उसी का एड्रेस ढूंढ रही हूँ। लो भाई, विदेशी कल्चर की एक और मरीज। अरे कमबख्त, ये चाइनीज रेस्टोरेंट क्यों, ढाबे का खाना क्यों नहीं, सस्ता भी और सबसे अच्छा भी। आप ही ना, ढाबे से ऊपर सोच ही नहीं सकते हैं। जी आपका होने वाला दामाद पहली बार कहीं बाहर लेके जा रहा है, अरमान पूरे होने दीजिए। वही कोई कहीं नहीं जाने वाला। क्यों? अरे पापा, अक्षय पूजा को अकेले डिनर पर लेकर जाना चाहता है, आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है क्या? वो बेचारा कह नहीं पा रहा होगा, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, आई नो हिम, मेरे बचपन का दोस्त है, आप लोगों के सामने कैसे बोलेगा वो, उसने तो हमको फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया है। हाँ दी, डोंट वरी, हम लोग कबाब में हड्डी नहीं बनने वाले। शट अप। पापा मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अक्षय को ये कहें कि वो पूजा को लेकर आगे निकले और हम पीछे पीछे आते हैं और पीछे से चुटकी के पेट में दर्द हो जाएगा मेरे पेट में। अरे समझा करना यार। दीदी छोटी ला दे। Smile is better. लगता है तुमने मुस्कुराने की काफी प्रैक्टिस की है। अजय, मैंने तुमसे सुबह कहा था ना कि तुम हर बात अपने सहेलियों से शेयर नहीं कर सकते, एक मेल फ्रेंड होना बहुत जरूरी है, और तुम तो जानते ही हो कि मैं कोई भी बात अपने पेट में नहीं रख सकती, और ये बात तो मैंने अमू सोनू को भी नहीं बताई है, और मैं तुमसे शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि एक लड़का ही एक लड़की को बेटर समझ सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? Now you tell me कि मैं जिस लड़के के बारे में सोच रही हूँ क्या वो मेरे लिए सही है या गलत? मैं समझा नहीं। मतलब ये एक्चुअली अजय, आई एम इन लव। आई एम इन लव विद द मोस्ट अमेजिंग गाय। और पता है उसने मुझे अभी अभी प्रपोज किया है। ये इश्क़